इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड पर गाड़ी बिजली के पोल से टकराने के बाद बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े व्यवसायी की सर में गंभीर चोट लगने के चलते निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में मंगलवार देर रात द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित सुख निवास रोड पर वहीं पर रहने वाले संतोष परिहार नामक बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े व्यवसायी की गाड़ी अचानक से असंतुलित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। भीषण टक्कर के चलते व्यवसायी की सिर में गंभीर चोट लगने से निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक संतोष परिहार व्यवसाय को देखने के लिए गए हुए थे, वहीं से लौटते हुए यह हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। आज शाम करीब 7:30 बजे सुख निवास रोड, जो कैट रोड चौराहे के पास है सुख निवास रोड, वहाँ पर सियाज गाड़ी MP09CT9877 से संतोष परिहार, जो सुख निवास के रहने वाले हैं, वो अपने ड्राइवर सागर भाटी के साथ में वापस घर जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी उनकी डिसबैलेंस होने से बिजली के पोल से टकराने से सिर में चोट लगने से उनकी डेथ हुई। सर क्या कहाँ के रहने वाले, क्या है, क्या करते थे? संतोष परिहार के बारे में जानकारी मिली है कि ये बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करते थे और इनका काम घाटाबिल और लेबड़ के आसपास कहीं चल रहा है। वो काम देखने गए थे, वहाँ से लौट के वापस आए हैं और घर के पास, घर पहुँचने से पहले करीब आधा किलोमीटर पहले बिजली पोल से कार उनकी टकराई है और उनकी डेथ हो गई। सर कुछ देख पाया गया कि कुछ क्या घटना कारण आया? घटना डिसबैलेंस, गाड़ी डिसबैलेंस होने से, रोड के नीचे उतर जाने से और बिजली के पोल से टकराने से हुई है।